हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप लोग कमेंट पे कमेंट पूछे जा रहे हैं कि जामिया का एंट्रेंस एग्जाम 2020 का कब होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेके गवर्नमेंट्स का क्या अपडेट्स हैं, जामिया का क्या अपडेट्स है, टोटल कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बस कुछ ही मिनट्स का वीडियो होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत ही अहम जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये लाल बटन वाला सब्सक्राइब बटन है नीचे, ये प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन जो घंटी वाला होगा ना, उसको भी दबा लीजिएगा कि कोई भी अपडेट्स आती है जामिया से तो मैं आपको तुरंत दे दूं। कमेंट भी कीजिएगा कि आपका मन में जो सवाल है वो दिमाग में मत रखिएगा, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, देश की जनता के पास अच्छी वीडियो शेयर कीजिए, फर्जी फेक न्यूज को कभी शेयर मत कीजिए। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं क्या अपडेट्स हैं ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया से। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के, क्योंकि जामिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी गवर्नमेंट से फंड आता है जामिया के पास। तो भारत सरकार की ये है यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जानना है कि भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये यूनिवर्सिटी है। आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो दोस्तों, अभी 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, उसके बाद गवर्नमेंट्स का क्या अपडेट है? आपने देखा होगा कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और भी गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स जो कि अनाउंस किए हैं कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा। ये गारंटी नहीं है कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी सूत्रों के मुताबिक बताया कि 15 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। उस दिन को लॉकडाउन खत्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन, अभी भी कुछ टाइम है, अभी कुछ दिन है इसमें, यानी आसपास 9 दिन के आसपास से, इस 9 दिन में कितने कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते हैं या घटते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, अगर इसी के आसपास मेंटेन हुए तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या, किस हिसाब से लॉकडाउन खत्म होगा? क्या ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा? क्या भीड़ इकट्ठा शुरू हो जाएगा? क्यों, जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस जो एग्जाम होगा उसमें तो एग्जाम सेंटर पे आपको जाना होगा, एग्जाम सेंटर पे आपको जाना ही होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो बहुत सारे क्राउड हो जाएगा, भीड़ लग जाएगा, स्टूडेंट्स गार्जियन का भीड़ लग जाएगा। तो भीड़, गवर्नमेंट्स क्या अनाउंस करती है कि एंट्रेंस एग्जाम कब किया जाए, नहीं किया जाए, तो इतना मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको पक्का इंफॉर्मेशन तक कब पता चलेगा, 15 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा कि एग्जाम कब से होगा। लेकिन कुछ मेरा सुझाव भी है, कुछ अनुमान भी है। सुझाव ये है मेरा, जो अनुमान ये है कि एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं हर साल जो होते हैं उसमें प्रिपरेशन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैनेज होता है, बहुत जगह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, खुद ऑफिशियल अपने ऑफिशियल मैनेज करते हैं। तो जामिया खुद से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है अपने कैंपस में। तो अपने कैंपस में आने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई केरल से आता है, कोई उड़ीसा से आता है, कोई मणिपुर से आता है। तो सबके लिए ट्रेन से ये आपको दिल्ली में आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जब तक शुरू नहीं होती, मान लीजिए लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ कुछ कुछ इंडस्ट्री शुरू हो, कुछ जिला बाहर हो, तो जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा, एक भी जिला अगर फंसा रहता है तो उस जिले के जो स्टूडेंट है वो कैसे आएंगे दिल्ली में, ये आपकी सोचने वाली बात है। तो आपका जो एग्ज़ाम का चांसेस है, अगर बिल्कुल कोरोना का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया तो 15 मई से, अगले महीने से एग्ज़ाम एंट्रेंस शुरू होने की उम्मीद है। वैसे आप जून महीने से उम्मीद कर सकते हैं कि जून 2020 से ही एग्जाम आपके शुरू होंगे।
तो आप लोग कितने कमेंट्स कर रहे हैं अभी भी कि 11th क्लास के कब एंट्रेंस होंगे, 9th क्लास के कब एंट्रेंस होंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कब होंगे, MBA के कब होंगे, ग्रेजुएशन के कब होंगे, स्कूल्स के जो लॉटरी सिस्टम थे कब होंगे। तो सबका आप जून में दिमाग खोल के सुन लीजिए कि जून से ही एग्जाम आपके शुरू होंगे, क्योंकि कंट्रोल करने में कोई भी बीमारी को टाइम लगता है। देश और विदेश में आप आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो डेवलप देश है अमेरिका, वो इस बीमारी से जूझ रहा है, उभर नहीं पा रहा है। तो हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इतना जल्दी उभरना आपको सोचने वाली बात है। आप खुद सोचे इतना जल्दी कैसे उभर सकता है, 21 दिन में हमारे यहाँ से कोरोना खत्म हो जाएगा। कौन सी देश में 21 दिन में खत्म हुआ बताइए, नहीं हुआ है ना। तो आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए आपका जो एग्जाम होगा जून से होगा, अगर बहुत जल्दी हुआ तो 15 मई के बाद होगा, नहीं तो आपका समझ लीजिए आपका एंट्रेंस एग्जाम सारे कोर्स का, चाहे 11th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे 9th का हो, 6th का हो, क्लास फर्स्ट का हो, नर्सरी का हो, प्रेप का हो, मास्टर डिग्री का हो, PhD का भी हो, MPhil का भी हो, जिस भी कोर्स का, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, लैंग्वेज, जो भी कोर्सेज है, सबका एग्जाम जून से शुरू होंगे। और एग्जाम सेंटर, ज़्यादातर एग्जाम सेंटर होते हैं वो दिल्ली में ही होते हैं, तो आप लोग जब तक ट्रांसपोर्टेशन शुरू नहीं होगा, जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगी। अगर एक ज़िले में भी लॉकडाउन है तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उस ज़िले के बंदा कैसे आ पाएगा, आपको सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपको जो भी अपडेट्स आती है, जामिया हमदर्द के लिए आप तैयार रहिए। जामिया हमदर्द के फॉर्म निकलने वाला है, इसी महीने में जामिया हमदर्द का फॉर्म निकलेगा। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है, मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोर्सेज है, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज है, यानी मेडिकल में करियर बहुत ही अच्छा है, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, और महामारी में भी आपकी दुकान बंद नहीं होगी, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आपका नौकरी बंद नहीं होगा, महामारी में भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, पैसे कमाते रहेंगे, इज्जत कमाते रहेंगे, सेवा देते रहेंगे। तो ऐसे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका इंतजार आपको रहता होगा। जामिया हमदर्द में मेडिकल के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसी महीने में तैयार रहिए। बाकी जामिया का एंट्रेंस टेस्ट जून से होंगे। हमें रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।